हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर एक नई वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप भी मेरी तरह दुगना ट्रैक कर सकते हैं और वहाँ जाने के लिए बेस्ट टाइम क्या रहेगा और वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको कैसे जाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में सब कुछ कवर करने वाली हूँ, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसेस टू स्टे एंड प्लेसेस टू विजिट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप जिस भी सिटी में रहते हैं, सबसे पहले आप हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुंच जाइए। आप कोशिश करिए एक दिन पहले ही आप हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंच जाएं, सो दैट नेक्स्ट डे हम रुद्रप्रयाग के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकें। सो हरिद्वार से हमें जाना होगा रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ, ऊखीमठ से चोपटा। चोपटा में पहुँच के आपका ये ट्रैक शुरू होगा। तो आइए चलते हैं। पहले हरिद्वार से आप सबसे पहली बस ले लीजिएगा रुद्रप्रयाग के लिए। तो मैं आपको सारे फेयर ऋषिकेश से बताने वाली हूँ। तो ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग जाने में हमने पे किया था 290 रुपीज़, अराउंड 300 रुपीज़ आपको पे करना होगा रुद्रप्रयाग के लिए। रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ के लिए हमने पे किया 120 रुपये और हम पहुंच गए ऊखीमठ। ऊखीमठ से हमने पे करना है अब चोपटा के लिए। ऊखीमठ और चोपटा के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन वहाँ पर डायरेक्ट कैब्स बहुत कम अवेलेबल होती हैं, इसलिए वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो वहाँ से आपका शेयरिंग कैब में रहेगा अराउंड 200, वो भी तब जब वहाँ पे स्नोफॉल नहीं हो रहा है। अगर स्नोफॉल हो रहा है तो यही चार्जेस आपके डबल ट्रिपल हो जाएंगे। सो 300-350 के आसपास आपका स्नोफॉल के टाइम पे पड़ेगा। सो आपको अराउंड पूरा दिन लग जाएगा वहाँ पे पहुँचने में, और अगले दिन हम करेंगे शुरू अपना ट्रैक। अब ऊखीमठ पहुँचने के बाद हमें सोचना है कि हमें रहना कहाँ है। आप चाहें तो चोपटा में भी स्टे कर सकते हैं, लेकिन चोपटा में कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे ज़्यादा होटल्स नहीं हैं, जो भी हैं वो कैंप साइट्स हैं। सो अगर आप कैंप साइट में रुकने के शौकीन हैं तो चोपटा आपके लिए बेस्ट जगह है। और अगर आप चाहें तो ऊखीमठ में भी स्टे कर सकते हैं, वहाँ पे प्रॉपर होटल्स और सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो मैंने जो स्टे किया था वो ऊखीमठ में किया था। आइए मैं आपको अपना रूम दिखा देती हूँ। और वहाँ पर हमने अराउंड 1000 पे किया था फॉर वन नाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट आपको स्टार्ट कर देना है अर्ली मॉर्निंग अपना ट्रैक। आप जितना अर्ली से स्टार्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा आप इसे इन्जॉय कर पाएंगे, क्योंकि आपको अंधेरा होने से पहले वापस भी आना है। सो ये ट्रैक आपका ले लेगा आराम से 4 घंटे ऊपर जाने में और बाकी के 2 घंटे नीचे आने में। तो लग जाते हैं 4 से 5 घंटे इसे पूरा कवर करने में। ट्रैक की स्टार्टिंग में ही कुछ शॉप्स मिलेंगी आपको, जहाँ से आप स्टिक ज़रूर खरीदें। ये स्टिक आपको बहुत हेल्प करेगी ऊपर चढ़ने में। और स्टार्टिंग में आपको 150 रुपीज़ का फ़ी पे करना है एडल्ट्स के लिए, और स्टूडेंट्स के लिए कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप बोर्ड पर देख लीजिएगा। तुंगना ट्रैक को कवर करने के लिए बेस्ट टाइम है या तो समर टाइम, जब मंदिर खुला होता है और आप इजीली मंदिर में दर्शन कर सकते हैं मई जून के टाइम पर, या फिर स्नोफॉल का टाइम, विंटर टाइम, जब यहाँ पर मंदिर क्लोज रहता है, लेकिन ट्रैक का पूरा मज़ा ले सकते हैं और स्नोफॉल का भी। तो आप चाहें तो विंटर में भी कर सकते हैं इस ट्रैक को, और चाहें तो समर में भी कर सकते हैं। ट्रैक में चढ़ते समय आप अपने साथ एक छोटा सा बैग रखें, ज़्यादा वज़न कैरी ना करें क्योंकि आपको उठाने में दिक्कत हो सकती है। उस छोटे से बैग में आप अपने साथ कुछ एनर्जी ड्रिंक्स, वाटर बॉटल और कुछ खाने पीने की चीज़ें कैरी करें, सो दैट आपका एनर्जी लेवल पूरा टाइम बना रहे और आप ईजिली ट्रैक को कवर कर सकें। बात कर लेते हैं कि चोपटा में और क्या क्या जगहें हैं जो आप कवर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट डे आप अपनी बकेट लिस्ट में रख सकते हैं देवरिया ताल। अगर पैरों में हिम्मत बच जाए तो आप देवरिया ताल का भी ट्रैक कर सकते हैं। वो भी अराउंड 4 किलोमीटर्स का ट्रैक है, जो कि काफ़ी एडवेंचरस है, तो आप वो भी कवर कर सकते हैं। ऊखीमठ से ही आपको शेयरिंग कैब्स मिल जाएंगी सारी विलेज के लिए। सारी विलेज के पास में ही आपका ये देवरिया ताल का ट्रैक है। तो अब देख लेते हैं इस पूरे ट्रिप में हमारा कितना खर्चा होने वाला है। सो ट्रांसपोर्टेशन में आना और जाना दोनों इंक्लूड करके 1540 का कुछ खर्चा बन रहा है, जिसमें आपका शेयरिंग बेसिस पे ही रहेगा। और 2 दिन का स्टे करेंगे आप, एक दिन जब आप वहाँ पहुँचेंगे और दूसरा दिन जब आप ट्रैक करके लौटेंगे। तो 2 नाइट्स आपको आराम से स्टे करने के लिए 2000 रुपीज़ लगेंगे, और 2 दिन का ही फूड इंक्लूड कर दिया 1500 का। सो टोटल 3500 फूड एंड स्टे, टोटल करते हैं तो 5040 रुपीज़ का बनता है। मतलब अराउंड 5000 में ये पूरा ट्रिप हो जाएगा, 2 नाइट्स 3 डेज। आई होप इस वीडियो में मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन दे पाई होंगी कि आप कैसे वहाँ पहुँच सकते हैं, कहाँ आपको स्टे करना है।
सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई लोकेशन पर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।